तो मैं चाहती हूं कि अब देश के प्रधानमंत्री जी जो है उम्र भी बहुत हो गई है, देश का भविष्य युवा सामने दिख रहा है, बहुत लोग हैं आगे देश को चलाने के लिए। प्रधानमंत्री जी फिलहाल रेस्ट करें, आप उन्हें रेस्ट दोगे या नहीं देंगे? क्योंकि बिल वापस ना करने की सबसे बड़ी भूल की इन्होंने, युवा ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई तब इन्होंने प्रताड़ित करवाया। तो हमें तो वो सरकारें चाहिए, वो नेता चाहिए जो चौपले पर बैठ करके चौपाल लगा मेरे जनता की सब बात सुने। मुरादाबाद की धरती पे हूँ, कई बार मुरादाबाद आ चुकी हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ बबलू सिंह SSP मुरादाबाद का कि एक बेटी को ढूंढने में 10 महीने लग गए थे और उन्होंने 15 दिन में ढूंढा। हमें ऐसे SSP चाहिए, हमें ऐसे अधिकारी चाहिए, हमें अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी चाहिए जो हमारी बात को रख सके, हमारी बात को उठा सके। हमें ऐसे नहीं चाहिए जिन्होंने करनाल में आदेश दे दिया आयुष सिन्हा ने, किसान है अंदर ना पड़ जाए, डंडे मारना, सिर फोड़ना, कुछ करना, लेकिन एक भी किसान अंदर ना आ जाए। तो हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए, उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, क्षमा चाहती हूँ आपसे, थोड़ा दूर का भी सफर था, और आप लोगों की जो एकता है मैं इसको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाजार में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, और यहाँ वो सारे जुड़ करके इकट्ठा हुए हैं सिर्फ किसान जाति के रूप में। तो हमको इसको बरकरार रखना है, ये आप ध्यान रखना, ये बरकरार रखना आपके जुम्मे है। मैं जागरूक कर सकती हूँ, मैं आपको इकट्ठा कर सकती हूँ, मैं आपकी आवाज को एक कर सकती हूँ, लेकिन भाईचारे को बरकरार रखना सभी देश की जनता का काम है कि नहीं है ना? देखिए चाचा बड़े समझदार है। युवा साथियों से एक अनुरोध करती हूँ, बहुत सारा युवा ही आया हुआ है, मेरे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, चार चार घंटे से बैठे हुए हैं, क्षमा चाहती हूँ अपने बब्बाओं से, युवाओं से तो नहीं, क्योंकि आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, आप खड़े रह सकते हैं। एक अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच से कि आप लोगों को इन बुजुर्गों के आशीर्वाद ले लेकर के चलना, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। अगर आप अपनी मर्जी से काम करोगे तो आपको इलझा देंगे, आपको फंसा देंगे किसी ना किसी उल्टे सीधे सिस्टम में। तो आप अपने बुजुर्गों से रणनीति बनवा करके किसानों की पंचायत का आगमन करना, किसानों की पंचायत करना, चाहे एक चौपाल में 4 आदमियों को जोड़कर अगर आप पंचायत करते हो तो वो भी पंचायत देश की पंचायत में दर्ज होगी जाकर के कि हाँ इस व्यक्ति ने 4 आदमी तो जोड़े। नहीं तो आजकल कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं, बंदे जोड़ नहीं पाते 4 और बातें करते हैं 1000।